कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का महामुकाबला हुआ। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 292 रनों का टारगेट सेट किया था। इसका पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बैटिंग करते हुए सिर्फ 91 रनों पर 7 विकेट गंवा दिए। तब ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम आसानी से ये मैच जीत लेगी, मगर फिर बाजी ऐसी पलटी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल ने दोहरा शतक जड़ते हुए इतिहास रच दिया। मैक्सवेल ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को हारी हुई बाजी जिता दी। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन चुकी है। तो आइए बात करते हैं इस मैच के हीरो के बारे में। ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया की नैया पार लगाई। उन्होंने वानखेड़े में जो चौके छक्कों की बौछार की, अफगानिस्तान के गेंदबाजों को बेदम कर दिया और टीम को जीत दिलाने के साथ साथ अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया। वो 128 गेंदों में 21 चौके और 10 छक्कों की मदद से 201 रन बनाकर नाबाद रहे। इस पारी के दौरान मैक्सवेल ने पीठ में दर्द की शिकायत की थी, साथ ही हैमस्ट्रिंग की गंभीर चोट भी उन्हें लगी हुई थी, मगर लंगड़ाते हुए मैक्सवेल ने पूरा मैच खेला। वो मैदान से बाहर नहीं गए। उन्होंने जज्बा दिखाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई और सेमीफाइनल्स तक ऑस्ट्रेलिया की राह आसान कर दी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सहवाग, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन भी मैक्सवेल की तारीफ किए बिना रह नहीं पाए। मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल में टारगेट को चेस करते हुए सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने 128 बॉल्स पर अपना दोहरा शतक पूरा किया। सबसे टॉप पर नाम है ईशान किशन का, जिन्होंने 126 बॉल्स पर अपनी डबल सेंचुरी पूरी की थी। साथ ही मैक्सवेल वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया है। उनसे पहले शेन वॉटसन ने 2011 में ये किया था। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें पहले ही सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें अपनी जगह पक्की कर ली है। चौथे स्थान के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टक्कर है।